आज के क्लास में हम लोग मार्शल आर्ट्स इंडिया इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि मार्शल आर्ट का हिस्ट्री क्या रहा था और ये प्रेजेंट सिचुएशन में किस स्टाइल में कन्वर्ट हुआ और कौन से स्टेट के मार्शल आर्ट बहुत फेमस है। मैं सभी को बता देना चाहता हूँ, मेंस राइटिंग मेंस क्वेश्चंस में जीएस पेपर वन में अबाउट मार्शल आर्ट पूछा गया है क्वेश्चन, आप जाके चेक कर सकते हैं। 2017 और 18 मेंस पेपर में मार्शल आर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेंस से पूछा गया था, गो एंड चेक द पेपर, ठीक है, चेक कर लेना, समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। देखो समझते हैं, जानते हो कि इंडिया आप क्या है, लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर, हाँ बहुत डाइवर्स कल्चर है, बहुत एथनिसिटी है, अलग अलग ट्राइबल्स लोग हैं। इज नोन फॉर इट्स वाइड वैरायटी ऑफ मार्शल आर्ट दैट हैव डेवलप्स इन द एंशिएंट टाइम्स, इसलिए अलग अलग मार्शल आर्ट्स हम जानते हैं जो कि बहुत प्राचीन है जी, बहुत पहले से ये क्रिएट हुआ है, बहुत पहले से ये पास ऑन हो रहा है। पहले शुरू में देखो, शुरू में मार्शल आर्ट को यूज़ किया था वारफेयर के लिए, लड़ाई के लिए, क्यों, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था, जब टेक्नोलॉजी नहीं था तो ह्यूमन मैनुअली लड़ेंगे लोग, जब टेक्नोलॉजी आएगा तो आस्ते आस्ते चेंज होगा मोड ऑफ जो फाइटिंग स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में मार्शल आर्ट वारफेयर के लिए यूज़ किया जाता था, अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, मॉक टेस्ट के लिए यूज़ होता है, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, अब फिजिकल फिटनेस के लिए यूज़ होता है, कुंग फू कराटे अगर किसी को मारोगे थोड़ी, तुम अपने आप को हेल्दी रखने के लिए कर रहे हो। तो अर्लियर ये कॉम्बैट के लिए यूज़ होता था, लड़ाई करने के लिए यूज़ होता था, पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, जैसे आप योगा देखिए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज हो गया है ना। मैं शुरू में जो मार्शल आर्ट आया था तो पूरी तरीके से फाइट करने के लिए था, वो सभी चीज़ वारफेयर के लिए था, बट दिस आर्ट फॉर्म्स आर टूडे यूज फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन। आप डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या हो सकता है, इट कैन बी अ रिचुअल, आप किसी को पूज रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सब आर्ट है, एक आर्ट दूसरे आर्ट से रिलेटेड है। तांडम देखिए ना, वेलकम सेरेमनी हो सकता है, रिचुअल्स हो सकता है, ऑफरिंग्स हो सकता है, वर्शिप हो सकता है, बहुत सारा चीज हो सकता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर रिचुअल। जैसे हम तांडवा डांस करते हैं तो हम तांडवा भी डांस देखेंगे तो हमको कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट दिखेगा उसमें भी, कितना रुद्र अवतार लेके शिव जी डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे थे एक तरह से, समझ रहे हो ना, एक एंगरनेस का वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यही कहा गया है सेकेंड पॉइंट में, समझना होगा कि शुरू में हम वारफेयर के लिए यूज़ करते थे, ठीक है, उसके बाद ये डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में यूज़ होने लगा, चाहे वो पार्ट ऑफ रिचुअल हो या फिजिकल फिटनेस हो या सेल्फ डिफेंस के लिए हो, यस सेल्फ डिफेंस, कोई मारा तो यस प्रोटेक्ट करेंगे। मार्शल आर्ट लिटरली मींस आर्ट्स एसोसिएटेड विद द एज वेजिंग ऑफ वार, यानी कि वार के टाइम में अपने आप को डिफेंड करना, यही मार्शल आर्ट एक्चुअल मीनिंग। मगर समय के हिसाब से क्या हुआ, चेंजेस आए उसमें और अभी एक डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में हम लोग देखते हैं उसको। नंबर ऑफ मार्शल आर्ट्स इन द कंट्री आर क्लोजली रिलेटेड टू, जैसे कि हमने कहा डांस, योगा, परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स में म्यूजिक हो सकते हैं, ड्रामा हो सकते हैं, है ना, सॉन्ग्स हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो अभी कहा जा रहा है कि देखिए बहुत सारे मार्शल आर्ट हमारे कंट्री में है जो कि एसोसिएटेड है डांस से, है ड्रामा से, एंड सो ऑन, बहुत सारे आर्ट्स से एसोसिएटेड है। सम ऑफ द आर्ट फॉर्म्स वर बैन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश जानते हो आएगा तो अपना ही ज़्यादा करेगा वो, और यदि उसको लगता है कि यस इस आर्ट फॉर्म से हमें खतरा है, वारफेयर हो रहा है, हमको हड़ाया भी जा सकता है, तो उसको बैन कर देगा, सिंपल सी बात है, अपना वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। तो बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स बैन हुए थे जिसमें कलरीपयट्टू एंड सिलंबम, सिलंबम बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, सिलंबम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को बैन कर दिया गया था, बट दे रिसर्फेस्ड एंड गेन पॉपुलैरिटी पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसके बाद फिर प्रोपोनेंट्स लोग आए और फिर से इसको रिवाइव किए हैं। और सिलंबम स्पेशली सिलंबम बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्शल आर्ट है हमारे भारत का। तो पहले देख लो मार्शल आर्ट किस तरह होता है, एक ओवरऑल फिगर है ये, अब इसका हम वेरिएशन जानेंगे एक जानेंगे। तो देखो मार्शल आर्ट फिटनेस, देखो फिटनेस, देखो किस लेवल का फिटनेस है, समझ गए ना, ये देखो सिलंबम, ये तमिल कल्चर का हिस्सा है, देखो सिलंबम, इसमें जो स्टाफ है, स्टाफ मतलब लकड़ी, जो हुडन स्टाफ वो यूज करते हैं एज ए इंस्ट्रूमेंट, कल बताया देखे नहीं बताए थे, पपेटियर यूज करते कि नहीं करते हैं, अपना अपना डिवाइस होता है, ये यहाँ पे स्टाफ है, इसको स्टाफ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्टाफ कहा जाता है, कान खोल के सुन लो अच्छे से, स्टाफ, हाँ बंद कर दो। तो सिलंबम के बारे में जानते हैं क्या है ये सिलंबम, सिलंबम अ काइंड ऑफ स्टाफ फेंसिंग, समझ में आया, स्टाफ फेंसिंग यानी कि लकड़ी से लड़ने वाला ये मार्शल आर्ट है।
इज अ मॉडर्न एंड साइंटिफिक मार्शल आर्ट ऑफ तमिलनाडु. तमिलनाडु मॉडर्न तो है मगर इसका ट्रेस आउट है पीछे भी. जैसे एग्जांपल देखो, जो किंग रूल कर रहे थे तमिलनाडु को, चाहे वो पांड्या हो, चाहे चोला हो, चाहे चेरा हो, वो अपने अपने टेन्योर में इस चीज़ को प्रमोट किए हैं. तो हम कह सकते हैं कि यस, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है नया, भले ही हमको दिखे इसका, मगर ओरिजिन बहुत पुराना है. ये समझना होगा हमको. द रेफरेंस टू द सेल ऑफ सिलंबम स्टा पियल्स स्वार्ड्स एर्मर टू फॉरेन ट्रेडर्स. जो हमारे तमिलनाडु से, तमिलनाडु देखो कोस्टल एरियाज है, यहाँ से ट्रेड होता था, यहाँ से बाहर कंट्री में जाता था बहुत सारा औजार सब, उसमें स्टाफ था, इसमें तुम्हारा पेल्स था यानी कि हीरा टाइप का था, स्वार्ड्स था, तलवार था, आर्मर था, ये जो हम कवच लगाते हैं, ये सभी चीज़ थे, फॉरेन ट्रेडर्स थे. इससे हमको पता चलता है कि यस, तमिलनाडु में रिच कल्चर रहा है इस मार्शल आर्ट का. और ये सभी चीज़ मेंशन है जी वहाँ का तमिल लिटरेचर, जिसको वैदिक लिटरेचर भी कहा जाता है वहाँ का. सिलापटीगरम, सिलापटीगरम जो तुम्हारा है वहाँ का तमिल का सबसे सेक्रेट किताब माना जाता है, उस किताब में भी इस मार्शल आर्ट का जिक्र है. तो हम कह सकते हैं कि जी बिल्कुल ये इग्नोर करने वाला मार्शल आर्ट नहीं हो सकता है. इसमें देखो, इसमें दिखाया गया है कि सिलंबम वॉज इम्प्लॉयड बाय द वॉरियर किंग. इनफैक्ट ये रानी की झांसी से भी पुराना ये वॉरियर रही है और उससे भी फेमस रही है. रानी की झांसी से पहले इसने वार किया था. तो सिलंबम जो है वो वॉरियर क्वीन वेलू नेचियार, वहाँ की जो क्वीन थी, उसने इम्प्लॉयड किया था, यानी कि खुद भी सीखा था और इसको पुरस्कृत, इसको वो किया, इनकरेज किया था कि यस, हमारे दरबार में सब लोग को सीखना चाहिए ये चीज़. हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश लॉन्ग बिफोर द लेजेंडरी रानी ऑफ झांसी. झांसी की रानी से पहले भी ये लड़ी थी ब्रिटिश से, और ये एक प्रोपोनेंट थी, एक बहुत ही अच्छा मार्शल आर्ट करती थी, ये सिलंबम करती थी, प्रैक्टिस करती थी. देख लीजिए फिगर, देख लीजिए, समझ में आ गया ना फिगर, देख लिए ना. अब देखते हैं, द सिलंबम स्टफ वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग आइटम विद द ट्रेडर्स एंड द विजिटर फ्रॉम रोम, ग्रीस एंड इजिप्ट. यानी कि इसका इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत बड़ा था, लोग सीख रहे थे इस तरह का मार्शल आर्ट को बाहर भी. इसलिए सिलंबम स्टाफ जो है हमारा, जो फेंसिंग स्टाफ है जिससे लड़ाई करते हैं, सिलंबम मार्शल आर्ट होता है, जो उसका डिवाइस एक लकड़ी, स्पेशल टाइप का लकड़ी होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉपुलर ट्रेड आइटम था उस समय. जो आते थे बाहर से, रोम से आए, ग्रीस से आए, इजिप्ट से आए, लेते थे, खरीदते थे इसको. दैट आर्ट इज द बिलीव टू हैव ट्रेवल टू द मलेशिया. बताओ तमिलनाडु से ओरिजिनेटिंग स्टेट क्या है, तमिलनाडु से मलेशिया तक गया. हम जानते हैं मलेशिया क्यों ना जाए, राजा राजेंद्र चोला है कि नहीं है, पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा वो सब चीज़. हमको समझना होगा कि क्या रीज़न है इसके पीछे. मलेशिया में भी आर्ट गया, जहाँ पे ये फेमस स्पोर्ट बन गया. अपार्ट फ्रॉम द बीइंग अ मो, देखो स्पोर्ट आर्ट तो बन ही गया है, कि स्पोर्ट आर्ट होता है कि नहीं होता है, मॉक ड्रिल करते हैं, बहुत तरह का होता है कि नहीं होता है, वहाँ का स्पोर्ट आर्ट भी बन गया, साथ साथ वहाँ पे सेल्फ डिफेंस भी बन गया. देखते हो भारत ने क्या नहीं दिया है. द लॉन्ग स्टाफ वॉज यूज फॉर बोथ मॉक फाइटिंग एंड सेल्फ डिफेंस. मॉक टेस्ट, मॉक फाइटिंग का मतलब क्या, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के रूप में भी यूज़ किया था. जो लंबा लंबा स्टाफ है, यानी कि लंबा लंबा जो छड़ी है, और वो हम सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज़ करते हैं और मॉक टेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं. दिस वॉज वन ऑफ द हाईली ऑर्गेनाइज एंड पॉपुलर गेम्स ऑफ द स्टेट सिंस द फर्स्ट सेंचुरी एडी. बात समझ लीजिए ना, जो क्रिश्चियन एरा जो था वहीं से स्टार्ट हो गया ये, और तब से ये पॉपुलर, बहुत पॉपुलर आर्ट फॉर्म है तमिलनाडु का. तो कह सकते कि इसका हिस्ट्री बहुत पुराना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिलंबम मार्शल आर्ट. और पूछा गया है सवाल जी, 8 पॉइंट देख सकते हो, द रिकॉर्ड ऑफ इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड. अब कहाँ से सकर हो गया है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लॉर्ड मुरुगा, जो लॉर्ड मुरुगा जो सबसे बड़ा गॉड है तमिल्स के लिए, इससे बड़ा गॉड कुछ नहीं हो सकता. जैसे हमारे लिए विष्णु भगवान होते हैं, अब शिव जी होते हैं, तो लॉर्ड मुरुगा सबसे बड़ा भगवान है तमिल्स के लिए. कहते थे कि बिल्कुल यही लोग एसोसिएटेड है इस सिलंबम के पीछे. तो कहा जाता है कि एग्जाम्पल लॉर्ड मुरुगो, जो कि तमिल मैथोलॉजी में है, और सेज अगस्थिया, इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने सिलंबम बनाया था. जब टंडवा का बात करते हैं तो शिव जी का बात करते हैं, ऑटोमेटिकली आदमी आदर भाव से देखता है उस चीज़ को, है ना. जब अर्धनारी बोलते हैं, बोलते हैं कि दोनों परफॉर्म कर रहे हैं साथ में, तो ऑटोमेटिकली हम लोग का श्रद्धा निकल जाता है. सेम चीज़ यहाँ पे भी वही है, लॉर्ड मुरुगो और अगस्त्या जो ऋषि थे, अगस्त्या ऋषि, ये दोनों मिल के इसको क्रिएट किए हैं. देखो वैदिक एज में, वैदिक एज समझ ही रहे हो, वैदिक एज का लंबा कालखंड चला है जी, 1500 से लेकर 500 तक, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज. ट्रेनिंग वर इम्पार्टेड टू यंग मैन एज अ रिचुअल एंड फॉर एन एमरजेंसी, एमरजेंसी के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए यंग मैन को
ट्रेन किया जाता था उसके उसके स्किल के लिए भी, इमरजेंसी के लिए भी, उसके फिटनेस के लिए भी। तो सोचो कि ये ट्रेंड कब से है, उससे भी पुराना है। फर्स्ट एडिशन को रेफरेंस मिलता है कि तमिलनाडु में बहुत पॉपुलर स्पोर्ट गेम बना, मैं उससे पुराना रेफरेंस था। जो हम जानते हैं संगम लिटरेचर मुरुगा, संगम लिटरेचर थर्ड सेंचुरी बीसी का बात है कि नहीं है, थर्ड सेंचुरी मौर्या उधर चल रहा था तो नीचे संगम एज चल रहा था। फॉर अ प्योर डिफेंस आर्ट सिलंबम हैज अ ट्रांसफॉर्म इनटू द कॉम्बैट एक्सरसाइज। पहले प्योर डिफेंस आर्ट था कैसे लड़ा जाए इस चीज़ को, और बाद में जाकर कॉम्बैट एक्सरसाइज हो गया। कॉम्बैट मतलब वही डिफेंस वाला टाइप का, समझे ना। सिलंबम हैज ट्रांसफॉर्म इनटू कॉम्बैट एक्सरसाइज, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ द स्टाफ यूज इन दिस आर्ट। अब इस आर्ट में अलग अलग स्टाफ, अलग अलग तुम्हारा लकड़ी वगैरह यूज हो सकता है, जो डिवाइस हम लोग फाइट करने के लिए यूज करते हैं। देख कलरफुल, देखो कलरफुल में समझ में आ जाएगा। देखो डिफरेंट वेपनरी यूज इन द सिलंबम, देख लिए ना। देखो वहाँ पे अलग अलग है कि नहीं है, इनफैक्ट वो भी यूज हो रहा है, क्या बोलते उसको, कुल्हाड़ी टाइप का देखो है ना, स्वाड है जी, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, बहुत तरह का है, लकड़ी भी है ऊपर देखिए, लकड़ी भी है, हाँ भाला भी है। तो ये सभी औजार है, वेपनरी है, जो कि सिलंबम में यूज किया जा सकता है। देखो 12 पॉइंट देखो द फर्स्ट, अब इसमें समझना होगा क्या क्या है, इसका तरीका है जी, ठीक है। ये तरीका नीचे देख लो, अब देखो आग का गोला देखो, नीचे गोला देखो, ये देखोगे तभी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट सब है। आग का गोला दिखा, इस आदमी का हाथ दिखा तुमको ऐसे करके, नीचे देखो आग का गोला जो तीन आदमी मिलकर कर रहा है, लड़ रहे हैं। तो ये इमेज के साथ ही तुम वो समझ पाओगे वर्ड्स। द फर्स्ट कॉल्ड टॉर्च सिलंबम, यानी कि हाथ में मसाल पड़ा हुआ है, बात समझिए, हाथ में मसाल देखे कि नहीं देखे। हैज लाइटेड बॉल्स ऑफ द क्लोथ एट वन एंड ऑफ द स्टाफ, यानी कि ऊपर में पूरा लगा हुआ है, नीचे ऐसे पकड़ा हुआ है, मसाल चल रहा है, इसका मतलब ये होता है। सेकेंड वाला क्या है, प्रोड्यूसर सोनोरस स्विशिंग साउंड, एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जो आग का जो साउंड प्रोड्यूस होता है, ऐसे करोगे तो प्रोड्यूस होता है ना जी। द थर्ड इज अ नॉन इलास्टिक स्टाफ है, वो नॉन इलास्टिक यानी कि पूरा रिजिड वाला है, ठीक है। डैट गिव्स अ क्लैटरिंग साउंड, कट 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 कट, ये जो कट कट जैसे नॉन इलास्टिक वाला होगा, जब एक दूसरे से लगेगा तो आवाज़ कैसा करेगा, करेगा। तो ये है तो फर्स्ट कॉल टॉर्च, जो फर्स्ट वाला जो देखे थे टॉर्च वाला हो गया, ठीक है, जिसमें तुम्हारा रहेगा। सेकंड प्रोड्यूसर सोनोरस, सेकंड में तुम्हारा उस तरह का आवाज़ करेगा, और थर्ड में तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये क्लैटरिंग साउंड्स प्रोड्यूस करेगा। एज फार एज द ड्रेस इज कंसर्न, ड्रेस का सवाल है, तो लंगोट होता है, लंगोट देख लो नीचे सेकंड वाला इमेज में, लंगोट पहने हुए हैं कि नहीं पहने हैं, जो पहलवान पहनते हैं लंगोट, ठीक है ना, लंगोट होता है। अब डिफरेंट कलर, टर्बन हो सकता है, जो पारसी से हम वहाँ सीखे हैं, ईरान से सीखे हैं, ठीक है। स्लीवलेस वेस्ट हो सकता है, यानी कि देखो वेस्ट है कि नहीं है, पहने हैं कि नहीं पहने हैं ऊपर, बिल्कुल वही वेस्ट के बारे में। चेस्ट गार्ड भी हो सकता है, एंड यूज वीकर वर्ड शील्ड्स, यानी कि थोड़ा सा वो शील्ड वगैरह यूज़ किया जाता है वो प्रोटेक्शन के लिए। तो ये सभी चीज़ इसमें इम्प्लॉयड होते हैं, यूज़ होते हैं। और भी देखो, देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक्स दैट आर यूज, बहुत टेक्निक हो सकता है। स्विफ्ट मूवमेंट, यानी फुट का मूवमेंट, फुट एकदम तेज़ी से चलाना, अब क्योंकि मार्शल आर्ट है, फुट ही नहीं चला तो फिर क्या चला। फिर मार्शल आर्ट में तो देखते हो, कुंफू कराटा में देखते हो, पैर का मूवमेंट क्या हरकत होता है, यानी कि मतलब कम सेकेंड के अंदर तुमको कॉम्बैट करना है। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या क्या टेक्निक्स इन्वॉल्व है, स्विफ्ट मूवमेंट्स ऑफ फुट, बहुत तेज़ी से फुट का हिलना, यूज़ ऑफ बोथ हैंड्स टू द विल्ड स्टाफ, दोनों हैंड से यूज़ करना, वन हैंड नहीं दोनों हैंड से यूज़ करना, यूज़ ऑफ थ्रस्ट कट चॉप एंड स्वीप टू, एकदम बहुत तेज़ी से तलवार भाला जो भी होता है वो बहुत तेज़ी से चलाने वाला अंदाज होना चाहिए। टू अचीव मास्टरी एंड डेवलपमेंट ऑफ फोर्स मोमेंटम एंड प्रिसिशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द बॉडी, एकदम प्रिसिशन होना चाहिए, एकदम गजब का मोमेंट होना चाहिए बॉडी, एकदम प्रिसिशन मतलब एक्यूरेसी, जहाँ लग रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, झुक रहे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से जानकारी होना चाहिए। यानी कि ये भी बहुत लंबा प्रोसीजर है ट्रेनिंग के लिए, मतलब सीखना पड़ेगा इस चीज़ को, ऐसे नहीं हो सकता है। द प्लेयर मस्ट बी ट्रेन टू डिफ्यूज एन अनकंट्रोलेबल मॉब, अब बोला कि देखिए जो मॉब है, मान लीजिए कि साउथ के मूवी में दिखाता है ना कि इतना 50 को मॉब आ जाता है मारने के लिए हीरो को, हीरो स्विंग स्विंग करके मारता है, यानी कि अनकंट्रोलेबल मॉब है जो आ रहा है, एंग्री क्राउड है तुमको मारने के लिए आ रहा है, तो क्या टेक्निक होगा जब 50 वो आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी आपको घेर लिया और आप सेंटर में हैं। देयर मस्ट बी सम टेक्निक, कैसे डिफेंड करें, तो वही बताया जा रहा है कि प्लेयर को ऐसा ट्रेन किया जाता है कि जो अनकंट्रोलेबल मॉब को वो डिफ्यूज कर सके। कैसे करेगा, बाय यूजिंग स्ट्रोक्स लाइक स्नेक हिट्स, अब अलग अलग हिट है, स्नेक की तरह हिट करना, मंकी हिट हो सकता है, हॉक हिट्स हो सकता है, और यदि स्टोन कोई फेंकता है तो उसको कैसे डिफ्लेक्ट करना, इसलिए बोले मजेदार चीज़ है ये, समझे, जैसे स्टोन फेंकेगा तो कैसे उसको
आओ ऐसे करके उसको वो कर लेना, डिफेंड कर लेना है, स्नेक बिट करना है बाबू, ये नहीं कि ऐसे ऐसे पूरा नागी डांस दे रहा, ऐसा नहीं, पूरा इसका अलग अपना टेक्निक होता है। देख लो यहाँ पे वेरी स्टॉप यूज ना, ये भी यूज होता है, देखो समझ गए ना, देयर आर थ्री वेज टू विन इन अ सिलंबंग कॉन्टेस्ट। आप तीन तरीके से रामानंद जी जीत सकते हैं, तीन तरीके से सिलंबंग का जो वारफेयर है या जो भी आपका ये मार्शल आर्ट है वो जीत सकते हैं। पहला क्या है, द फर्स्ट इन्वॉल्व डिस्पोजिंग अ प्लेयर ऑफ हिज स्टाफ। क्या है इसका मतलब, क्या है फर्स्ट इन्वॉल्व्स डिस्पोजिंग ऑफ द प्लेयर ऑफ हिज स्टाफ, यानी कि प्लेयर को निकाल देना, डिस्पोज कर देना, वहाँ से निकाल देना। दूसरा क्या है, बटुआ को छीन लेना, बटुआ मौनी पॉच जो होता है बटुआ का छीन लेना। फिर तीसरा क्या है तुम्हारा, कि जितना बार आप हाथ लगा दिए उसको, जैसे कबड्डी 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 होता है तो जितना बार लगा देते हो तो होता है कि नहीं होता है, सेम वही है। देखो सेकंड ऊपर, सेकंड रिक्वायर्स काउंटिंग एंड नंबर ऑफ टचेस, कितना बार टच किए हैं। यदि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टच किए हैं किसी को, अपोनेंट को, तो वो हार गया, आप जीत गए। दैट आर द इंडिकेटर बाय द नंबर ऑफ मार्क्स ऑन द बॉडी ऑफ द अपोनेंट, वहाँ पे मार्क रह जाएगा, ठीक है, मेड बाय द वन कंटेस्टेंट ऑन द अदर, एक कर दिया ज़्यादा कर दिया तो जीत गया। थर्ड क्या है, बाय जजिंग द स्किल सोर्स बाय ईच कंटेस्टेंट इन प्रोटेक्टिंग मनी पाउच। अब सबके पास मनी पाउच रहेगा, यानी कि बटुआ रहेगा, और किसी का बटुआ हम छीन लिए तो हार गया। पहला क्या है कि डिफेंड करवाना, पहला क्या है कि डिफेंड करवाना, ये डिफेंड करवा के उसको पीछे कर दिए तो जीत गए। सेकंड क्या है तुम्हारा, सेकंड में नंबर ऑफ टचेस ज़्यादा कर दिए तो जीत गए। थर्ड में क्या है कि यदि मनी पाउच कोई कैरी कर रहा है उसको हम ले लिए फाइट करते हुए तो हम जीत गए। ये तीन तरीका होता है, वही कहा जा रहा है कि थर्ड इज बाय जजिंग द स्किल सोन बाय ईच कॉन्टेस्टेंट इन प्रोटेक्टिंग मनी पाउच दैट इज आइदर केप्ट एट और बिटवीन द कॉन्टेस्टेंट फिट, जो पैर के आसपास रखा जाता है, समझे ना, उसको ले लिए तो जीत गए। ऑल्सो द कंटेस्टेंट हु सक्सीडेड इन मार्किंग द फोर हेड ऑफ हिज अपोनेंट विंस द कॉन्टेस्ट, जो यहाँ फोर हेड में लगा दिया तो मार्क कर दिया तो जीत गया वो। तो ये भी होता है तरीका है, ये सब तरीका है सिलंबम में जीतने का। तो इसका मतलब स्विफ्ट मूवमेंट, फुट मूवमेंट, डिफेंसिव मूवमेंट, आर्ट वेपनरी का जो तौर तरीका यूज करने का मूवमेंट वो भी तगड़ा होना चाहिए बहुत क्विक। देखो यहाँ पे दिया गया है ना, देखो मनी पाउच दिया गया है ग्रीन कलर में, दिख रहा है नीचे देखो, अरे गमछी, वो गमछी है उस मनी पाउच है उसमें, देख नहीं रहे हो सबका वो लटका हुआ है, दिख गया ना, लंगोट टाइप का है कपड़ा, ऊपर हाफ वाला उस है वेस्ट है, बिल्कुल समझ गया ना, इसलिए मैंने बोला था कि सिलंबम इम्पोर्टेंट है, समझे। अब बात करें कुत्तू वड़ीसाई, कुत्तू वड़ीसाई के बारे में जानेंगे। ये भी बताओ संगम लिटरेचर में मेंशनड है, जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी बीसी का बात है ये। कुत्तू वड़ीसाई, वड़ीसाई ट्रांसलेट टू एम्प्टी हैंड कॉम्बैट, इसमें कोई वेपन नहीं है, खाली हाथ से लड़ेंगे रामानंद जी, कोई वेपन यूज नहीं करिएगा, हाथ से लड़ने वाला चीज़ है ये, हैंड कॉम्बैट है। कुत्तू वड़ीसाई इज मेनली प्रैक्टिस इन साउथ इंडिया, although it is a quite popular in north eastern part of sri lanka and malaysia too, why famous hai, kyun famous hai jaan lo, jo hamare jo king hue the famous kar diye, tamil to puri tarike se sri lanka mein bhi to hai hi na ji, sri lanka mein bhi famous hai, malaysia mein bhi famous hai, ye tumhara kuttu varsai, and unarmed dravidian martial art, yani ki isme koi weapons nahi rahega aapke haath mein, aapko hand se ladna hai, it is used to advance aestheticism, yani ki puri aesthetic life ke liye, kaise matlab spiritual life ki taraf move kare, एंड फुटवर्क थ्रू योगा, फुटवर्क कैसे, योगा से, योगा जानते हो मूवमेंट क्रिएट होता है बॉडी में, बॉडी गजब फ्लेक्सिबल हो जाता है योगा करने से। जिमनास्टिक यानी क्विक, जिमनास्टिक मतलब क्या होता है कि बहुत ऊपर उछल रहे हो कूद रहे हो, है ना, एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये सभी चीज़ करवाए जाते हैं ये इस आर्ट फॉर्म में कुत्तू वड़ीसाई में। द मेजर टेक्निक यूज इन दिस आर्ट इंक्लूड, क्या क्या इसमें है, इसमें ग्रैबलिंग है, स्ट्राइकिंग है, लॉकिंग है, यानी कैसे पकड़ के रख दिए, देखो वहाँ पे नीचे देखो, देखो ये सभी चीज़ है नीचे देखिए अच्छे से, देख रहे हो ना, क्योंकि देखो इसमें वेपन कुछ यूज़ नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि ये हमारा जो कुश्ती होता है, कुश्ती में भी होता है कि नहीं होता, ये सभी चीज़ कुश्ती लड़े हो रामानंद जी, लड़े हैं कुश्ती तो आप ज़्यादा जानते होंगे इसके बारे में, है ना, टेक्निक होता है कैसे स्ट्राइक करना है, कैसे ग्रैब करना है, पकड़ लेना है, कैसे लॉक करना है, लॉक कर दिया तो बात हो गया, जैसे WWF में देखते थे टेक 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 कर दिया लॉक हो गया, लॉक हो गया, तो कोई अच्छा किए हैं।
इट ऑल्सो यूजेस एनिमल बेस्ड टेक्निक, जैसे कि उसमें भी देखे थे ना मंकी हिट्स था, स्नेक हिट्स था, तो इसमें भी हम लोग एनिमल बेस्ड टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं, जैसे स्नेक का, ईगल का, टाइगर का, एलिफेंट का, मंकी का, इसमें भी हम एनिमल का, जैसे एनिमल कैसे अटैक करता है, जैसे देखते हैं टाइगर जो अटैक करता है, इतना फीरियस एनिमल्स है, इतना डेंजर एनिमल्स है, मगर जब वो अपना प्रीडेटर को, यानी कि जो अपना खाने को जब वो कब्जा करता है, तो उस समय उसका तरीका देखिएगा, एकदम आराम से करेगा वो, आराम से, जो उसका फुटवर्क है वो फ्रिक्शन नहीं क्रिएट करता लैंड में, आराम से, बुद्धि है ये, मारने का बुद्धि है उसके पास, तो इतना फ्री है, जैसे एंगर वाला आदमी क्या होता है, पूरा ताम झाम करना शुरू कर देता है, मैं देखो टाइगर लाइन में देखो, वो नहीं कर रहा है ऐसा, तो ये तरीका, समझे। मंकी देखो, अब मंकी से किसने जीता है, मंकी तो ये दो कान में लगा के चल देगा ऊपर, टाइगर को भी मार के चल देता है, टाइगर पूरा बैठा हुआ कल आएगा नीचे, वो पूरा हेलो हाय कर रहा है, ये मंकी इतना शरारती एनिमल कुछ नहीं हो सकता, बहुत डेंजर होता है। सुने तो भी बहुत फेमस हुआ था उसका। देखो कलरीपायट्टू क्या है, ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है हमारे इंडिया का, ठीक है। कलरीपायट्टू अल्दो प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ साउथर्न इंडिया, मैं जो फेमस है जहाँ से ओरिजिनेट हुआ वो केरल स्टेट है, 4th century AD में स्टार्ट हुआ था ये आर्ट फॉर्म। कलरी मलयालम का मतलब, मलयालम वर्ड में इसका मतलब है स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्कूल, जिम्नासियम, ट्रेनिंग हॉल वेयर मार्शल आर्ट्स आर प्रैक्टिस और टॉट। कलरी का मतलब है कि एक ऐसा हॉल, एक ऐसा स्कूल या एक ऐसा संस्था जहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा हो बच्चे लोग को। अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, जो बड़े बड़े गुरु हुए हैं, पराशुरामा स्टार्टेड, कहते हैं कि पराशुरामा जो थे, सेज जो गुरु थे, उन्होंने ही स्टार्ट किया है कलरीपायट्टू, ठीक है, इस आर्ट फॉर्म को। देखो यहाँ पे देखो हवा में उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा, इसमें देखो, अब इसमें देख के ही पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ यूज़ हो रहा है वहाँ पे, है ना। वहाँ पे देखो एक तलवार है, एक तरफ तुम्हारा भाला है, करेक्ट, वो रोकने के लिए, शील्ड बोलते हैं जिसको, रोकने के लिए। दिस आर्ट फॉर्म इंक्लूड्स मॉक ड्यूल्स, यानी कि आर्म्ड भी है, अनआर्म्ड भी है, यानी कि दोनों ही होते हैं, इसमें आर्म्ड वाले भी होते हैं, यानी कि हम कॉम्बैट भी कर सकते हैं, हैंड से भी लड़ सकते हैं, साथ साथ वेपन के साथ भी लड़ सकते हैं, और ये फिजिकल एक्सरसाइज के लिए भी हो सकता है आपका। नॉट अकंपनी बाय एनी ड्रमिंग, कोई सॉन्ग नहीं है, कोई ड्रम नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज द स्टाइल ऑफ फाइटिंग, जो इसका स्टाइल ऑफ फाइटिंग है ना, वो सबसे अनोखा बनाता है इसको, समझे ना। द कलरीपायट्टू मोस्ट इंपॉर्टेंट की इज अ फुटवर्क, सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है इस मार्शल आर्ट में वो फुटवर्क है हमारा जी, बहुत तेज, बाकी आर्ट फॉर्म से भी बहुत तेज फुटवर्क चाहिए इसमें, जो आदमी ढीला पड़ जाएगा वो हार जाएगा, ठीक है। और इसमें किक भी इन्वॉल्व है, यानी कि आपका पैर का फ्लेक्सिबिलिटी ये भी चेक करता है, स्ट्राइक्स कैसे मारते हो, ठीक है। वेपन बेस्ड प्रैक्टिस, क्यों कहा मैंने, अनआर्म्ड भी है, आर्म्ड भी है, तो आर्म्ड होगा तो वेपन का है, आपको होना चाहिए। इसमें ये लेडी का देख सकते हो, नीचे देख सकते हो, पहले नीचे देख लो, लाठी लेके देखो, फुटवर्क देखो, इन लोग का प्रॉपर फुटवर्क देखो, ठीक है। नीचे देखो, ये लेडी के बारे में बताना चाहूँगा, डिफाइंग एज विद अ स्वॉर्ड, यानी कि मीनाक्षी गुरुकल जो है केरल की, वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस कलरीपायट्टू, ये तुम्हारा जो भी कल्चर है उसको आगे ले गई है ये, ठीक है। तो इनको बहुत ही लोग जानते हैं, इनको बहुत फेमस है ये केरल रीजन में। आगे देखते हैं 7th point, इट्स पॉपुलैरिटी इन द कंट्री कैन बी इजिली सीन वेन वन लुक्स एट द, अब बताओ ये जो कलरीपायट्टू जो है इतना फेमस है, इतना फेमस है कि हॉलीवुड मूवी, बॉलीवुड मूवी सब में इसका इंग्रेडिएंट देखने को मिलता है। एग्जांपल देखो, नीचे देखोगे, नीचे चले जाओ, द मिथ, ये हॉलीवुड मूवी है, उसमें भी इस आर्ट फॉर्म को दिखाया गया है। अशोका जो कि इनका शाहरुख खान का बना था, उसमें भी दिखाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत फेमस है, इसलिए कहा जाए कि इंडियन मूवीज इंक्लूडिंग अशोका एंड द मिथ, हॉलीवुड का बाहर का भी दिखाया गया है। व्हेन प्रैक्टिस दिस आर्ट टू अनिच, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, अनी यार्चा अ लेजेंडरी हीरोइन वन मैनी बैटल्स यूजिंग द मार्शल आर्ट, कहते हैं वुमेन प्रैक्टिस दिस आर्ट ऑल्सो, महिलाएं भी प्रैक्टिस करती हैं, और जो यूनी यार्चा जो है ये लेजेंडरी हीरोइन है, जिन्होंने इस आर्ट फॉर्म को एडॉप्ट करके बहुत सारे बैटल जीते हैं, तो इसलिए महिलाओं के लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि जब महिला, पुरानी महिला कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, बात समझे ना। तो देख सकते हो यहाँ पे 9th point, इवन दो कलरीपायट्टू इज यूज एज अ मीन्स ऑफ सेल्फ डिफेंस, अभी तो बिल्कुल
अब कॉम्बैट वाला चीज़ रहा ही नहीं, लड़ने के लिए रहा ही नहीं, तो अभी सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ होता है और ये फिटनेस के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए यूज़ होता है। मगर फिर भी रामानंद जी, फिर भी इसमें ट्रेडिशनल रिचुअल्स और सेरेमनीज इन्वॉल्व है, और ये बहुत लंबा है, ये बताऊंगा, एक एक चीज़ बताना पड़ेगा हमको अच्छे से। इसमें ट्रेडिशनल रिचुअल्स और सेरेमनीज सभी एसोसिएटेड है ये कलर ऑफ पायटू में। और देखिए इसमें बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे तौर तरीके इसमें यूज़ है। तो क्या क्या तौर तरीका है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उजिचिल, उजिचिल में ऑयल मसाज का बात होता है, ठीक है। ओट्टा, ओट्टा में होता है एस शेप्ड स्टाफ होते हैं वही जिसे लड़ना है, ठीक है। मायापाटू, मायापाटू जो तुम्हारा बॉडी एक्सरसाइज है। बुरियांकंग, ये स्वॉर्ड फाइट है। बेरुमकाई, ये बेयर हैंडेड फाइट है, यानी खाली हाथ से लड़ेंगे, यानी कि वेपन नहीं है हाथ में, केवल हाथ से। अंगाथारी, जिसमें मेटल वेपन्स का यूज़ करने का बात है, उससे लड़ेंगे। और कोलथारी, कोलथारी मतलब वुडन स्टिक को यूज़ करना, बात समझे ना। ये सभी टेक्निक है, देखते हैं क्या क्या होता है। पहले देख लो, उजिचिल अ फॉर्म ऑफ ऑयल मसाज, ये भी एक एक्सरसाइज का पार्ट है, समझ गए ना। आगे बढ़ो तो देखो यहाँ पे वही दिया गया है। उजिचिल क्या है, उजिचिल मतलब होता है कि और द मसाज विद, इसमें हम जिंजर ऑयल लगाते हैं, जिंजली मतलब होता है, जिंजर ऑयली होता है, ठीक है ना, वो जिंजर ऑयल लगाते हैं ताकि क्या कर सके हैं, इम्पार्टिंग द सेप्लेंस टू द बॉडी, बॉडी को वो दे सके, नरमता दे सके, ताकि बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो बॉडी में, तो हाँ बहुत कह सकते हो, हाँ बहुत तेज़ी से क्विकनेस लाने के लिए कह सकते हो, ठीक है ना। बट ओनली पर्सन विद द थरो नॉलेज ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड द ह्यूमन बॉडी कैन कंडक्ट, बोला कि जिसको नर्वस सिस्टम के बारे में जानकारी अच्छे से है, बॉडी मैकेनिज्म के बारे में अच्छे से पता है, वही तुम्हारा उजिचिल कर सकते हैं, यानी कि वो देने वाला या फिर लेने वाला, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट तुम्हारे टेक्निक्स है कलर पायटू में। सेकंड ओट्टा है, ओट्टा का मतलब क्या है, एस शेप्ड स्टाफ विद अ नॉब एट वन एंड, एक तरफ तुम्हारा नॉब रहेगा, यानी कि पूरा एक गोला टाइप का रहेगा कुछ। टफेस्ट पोर्शन ऑफ द टैमरिन ट्री, ये तुम्हारा जो हम देखते हैं टैमरिन मतलब क्या होता है, इमली का, इमली का वो चीज़ उसमें रहता है। दिस स्टिक्स विद अबाउट 2 feet लॉन्ग होता है, और ये नर्वस सिस्टम को सुटेबल फॉर द अटैक ऑन द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्योंकि नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर दोगे खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिकली रुक जाएगा आदमी, ओपोनेंट का नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन कर दो। नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन से जो रिलेटेड है, एक बार ब्रेन आपका घायल हो गया मतलब मारना भी नहीं है उसको, नर्वस सिस्टम पर इस तरह अटैक करना है कि रुक गया, कुछ नहीं कर सकता वो, तो समझे। ये ओटा में पूरी तरीके से हम स्टिक से नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन करते हैं, उचिचिल में क्या करते हैं हम लोग मसाज करते हैं ताकि फ्लेक्सिबिलिटी वो क्रिएट हो सके। मायापाटू, मायापाटू में क्या है, बॉडी एक्सरसाइज है, इंक्लूड द ट्विस्ट एंड टर्न्स। देखिए मायापाटू आगे देख लीजिए किस तरह, आगे देख लीजिए इमेज मायापाटू में, देखिए किस तरह ये है, ये तुम्हारा पूरा जिम्नास्टिक वर्क है कि नहीं है, इस तरह एक्सरसाइज करना कितना डिफिकल्ट है, वही ट्विस्ट करना, टर्न्स ऑफ द बॉडी करना, लीप करना, जंप करना, पोजेस करना, ठीक है, ताकि कंट्रोल कर सके जितना भी ह्यूमन बॉडी का जो पार्ट है उस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सके, और उतना ही फ्लेक्सिबल हो सके वो चीज़, जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना क्विक होगा, जितना क्विक होगा उतना बेटर एज है उसको जीतने का, तो इस लेवल पे उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। सिविल सर्विस भी मुश्किल चीज़ है ये सब। देखो पुलियंकन, पुलियंकन क्या होता है, वेल्डिंग द स्वॉर्ड इन एफिशिएंट मैनर, कैसे स्वॉर्ड को हम वो करें, यूज़ करें, इज कंसिडर्ड टू द पीक ऑफ द परसेप्शन, पीक ऑफ परफेक्शन, यानी कलरी पायटू में जो पुली या कम पे जो विजय हासिल कर लिया, जो जो विजय हासिल कर लिया, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पकड़ आ गया इस पे, यानी कि उसका बेटर एज है तुम्हारा इस आर्ट फॉर्म में। क्यों, स्वॉर्ड को किस तरह देखना, स्वॉर्ड को किस तरह यूज़ करना समझे, वेरियस मेथड इन द यूज़ ऑफ द स्वॉर्ड, कैसे यूज़ किया जाता है, एज अ वेपन ऑफ डिफेंस, ठीक है, या फिर तुम्हारा ऑफेंस डिफेंस जो है प्रैक्टिस, यानी कि जितना हम अच्छे से स्वॉर्ड को यूज़ कर पाएंगे उतना हम बेस्ट हो पाएंगे कलरी पायटू में। तो बट द मोस्ट ओक इंस्पायरिंग ऑफ दिस इज द पुलियंकन वेयर द कॉम्बैटिंग फाइट्स लाइक टाइगर, बताओ ये पुलियंकन है जो लड़ने का जो लोग सब है ये सब टाइगर की तरह फाइट करते हैं, इतना क्विक, टाइगर देखते हो कितना तेज होता है टाइगर झपकने में, तो उस लेवल पे उस लाइटनिंग स्पीड पे ये लोग फाइट करते हैं। वेरुमकाई, वेरुमकाई देखो, इन अनगाइडेड मोमेंट्स देर आर सम स्पेशल वेज ऑफ गेटिंग आउट ऑफ टाइट सिचुएशन बाई यूजिंग वन हैंड्स, तो ये क्या करते हैं, ये भी कॉम्बैक्ट सिचुएशन कॉम्बैक्ट का ही है तुम्हारा, इसमें वन हैंड को यूज करके हम वो करते हैं, लॉक्स एंड ब्लोज आर द आर ऑन ए वोक, यानी कि लॉक करना, लॉक करना ये सब यूज़ किया जाता है, लॉक करना, ब्लो करना, ब्लो मारते हैं ना ऐसे करके, ब्लो करके ऐसे मार देना ऐसे करके, ये सब चीज़ यहाँ पे यूज होता है।
अटैक्स ऑन द नर्वस सिस्टम बाय द एज ऑफ वन पाम, एक पाम से ऐसे करके ऐसे मार दिया ऐसे हाथ से, ठीक है, पूरी तरीके से खराब हो गया वो, तो पैरालाइज द ओपोनेंट, पैरालाइज कर दिया, मारे नहीं है उसको, थोड़ा देर के लिए उसको शांत कर दिए, शांत हुआ जीत गए, ठीक है। देखो अंगथारी, अंगथारी में क्या है, वेपन्स ऑफ वेरियस मेटल्स, देखो इसमें अलग अलग वेपन्स यूज होते हैं ट्रेनिंग के लिए, कॉम्बैट सेशन के लिए, जैसे स्वॉर्ड हो गया, शील्ड हो गया, भाला हो गया, नाइफ्स भी दो टाइप्स का ना होता है, डैगर होता है, स्पेयर होता है, यूरुमी होता है, ये सभी चीज़ यूज़ किए जाते हैं अंगथारी में, समझे। स्टिक्स ऑफ कोलथारी, यहाँ पे है ट्रेनिंग इन हैंडलिंग वेरियस स्टाफ, यानी कि अलग अलग हुड, अलग अलग चीज़ सब दिया जाता है, कैसे तुम इस हुड से कैसे स्किल डेवलप करोगे, इससे कैसे करोगे, सभी चीज़ सिखाए जाते हैं, तो देख सकते हैं आप अलग अलग, देख सकते हैं यहाँ पे उर्मी लेफ्ट में है, ऊपर देख सकते हैं इस तरह का, हाँ हसुआ जो बोलते हैं हम लोग इधर, उस तरह का आकार है, हसुआ ही बोलते हैं ना इसको नानी के घर में सब सीखे थे और दूसरा वही पनेरी देखो, कलर पायटू, कलरी पायटू का दूसरा जो छोटे छोटे दिखते हो, उट्टा दिखते हो, पोंथी दिखते हो, मेस दिखते हो, ये सभी चीज़ तुम्हारा दूसरा वेपन्स है, तो ये सभी वेपन्स के साथ सिखाया जाता है कि कैसे लड़ा जाए, और सबको लेके लड़ने का तौर तरीका डिफरेंट होता है कि नहीं है, सबका सेम कैसे हो सकता है, सबके लिए अलग मोमेंट होगा। देखो वहाँ पे पहला देखो कैसे उसका पोस्चर कैसा है, देखो तो समझिए वो ख़त्म कर दिए, समझ गए ना, वो तो इम्पोर्टेंट हो, बहुत इंपॉर्टेंट था वो भी, ख़त्म हो गया। अब बात करेंगे थांगटा और सारी सरक का, ये थांगटा के बारे में पहले भी क्लास में हम जिक्र कर चुके हैं, ये देखो जो मेथी पीपल है मणिपुर का, वही क्रिएट किया है थांगटा को, तो थांगटा क्या है, आर्म्ड मार्शल आर्ट है, ठीक है, जो कि एकदम लिथल कॉम्बैट फॉर्म से, यानी कि आदमी मार भी सकता है, उतना डेंजर है ये, लिथल मतलब क्या, बहुत डेंजरस, लिथल यानी कि पॉइजनस, बहुत खतरनाक, आदमी मार भी सकता है, इस लेवल का है ये आर्ट फॉर्म। सरित सरक क्या है, इज एन अनआर्म्ड, यहाँ पे हथियार यूज नहीं होता, इसमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट किए जाते हैं। देयर हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 17th century, ये हम 17th century से कर सकते हैं, जहाँ पे मणिपुर किंग्स टू फाइट द ब्रिटिश, मणिपुर के जो किंग थे वो ब्रिटिश से फाइट करने के लिए इस तरह का मार्शल आर्ट को इम्प्लॉयड किए थे अपने रेन में, अपने दरबार में। देखो यहाँ पे देखो कितना डेंजर है, देख रहे हो ना, थांगटा द आर्ट ऑफ स्वॉर्ड एंड स्पीयर, यानी कि ये भाला और ये तुम्हारा इसका है, दोनों का डिफेंस होता है भाला से, क्या बोलते हैं उसको, भाला ही बोलते हैं, ढाल बोलते क्या, हाँ ऐसे होता है ना बड़ा वाला, क्या बोलते उसको, ढाल बोलते हैं उसको, भाला तो दूसरा होता है, भाला तो एक स्वॉर्ड टाइप का है ना, हाँ स्वॉर्ड 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 हाँ वो भाला है, स्वॉर्ड शील्ड, शील्ड बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल शील्ड, शील्ड और तुम्हारा स्वॉर्ड, ठीक है ना, देखो यूज़ किया जा रहा है, देखो इसमें स्पेयर है, मैं इसमें भाला है, इसमें भाला का यूज़ किया जाता है, ठीक है। देखो द कैप्चर ऑफ दिस रीजन बाय द ब्रिटिश विटनेस द बैन ऑफ द, अब ब्रिटिश ने जब कैप्चर किया तो बैन करवा दिया इस आर्ट फॉर्म पे, हाउएवर पोस्ट इंडिपेंडेंस बाद फिर से रिवाइव किया गया इस चीज़ को। थांग रिफर्स टू द स्वॉर्ड, थांग का मतलब ये स्वॉर्ड है मेथी पीपल के हिसाब से, और ता का मतलब स्पेयर, यानी कि स्वॉर्ड और स्पेयर, यानी कि तलवार और भाला का लड़ाई है, तलवार और भाला से लड़ने वाला चीज है, और जो थांगटा देखते हो ना, ये शब्द मेथी पीपल ने दिया है वहाँ का उस रीजन के। द स्वॉर्ड एंड स्पेयर आर द टू मेन एलिमेंट्स ऑफ द थांगटा, समझ गए ना, इसके वेरिएशन भी हो सकते हैं, जैसे हुएंग लेलोंग, लेलोंग है जो कि विच यूजेस अदर वेपन्स, ये भी इसका वेरिएशन है, मैं इस आर्ट फॉर्म में, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये मार्शल आर्ट हुआ थांगटा, इसका वेरिएशन तुम्हारा दूसरा है हुएंग लेलोंग है, उसमें हम दूसरा वेपन्स भी यूज़ करते हैं, उसमें एक्स को भी यूज़ करते हैं और शील्ड को भी यूज़ करते हैं, अब आया तुम्हारा वो शील्ड और एक्स का, यानी कुल्हाड़ी और तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए है, तो ये भी सेम वही तरीका है, मगर वेपन अलग है। थांगटा इज अ प्रैक्टिस इन थ्री डिफरेंट वेज, अलग तीन तीन तरीके, तीन अलग अलग तरीके से किया जाता है। द फर्स्ट इज कम्प्लीटली रिचुअलिस्टिक इन नेचर, पहला क्या रिचुअल से लिंक है, वो पूरा रिचुअल्स है उसमें, जो कि तांत्रिक प्रैक्टिस से भी रिलेटेड है, तो कह सकते कि हाँ भाई है रिचुअल्स बहुत सारे इन्वॉल्व। देखो यहाँ पे दिख रहा है स्वॉर्ड से, दिख रहा है सबको, आगे देख सकते हो। द सेकेंड कंसिस्ट ऑफ मिसमराइजिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्पीयर, सेकेंड क्या है, पहला हम क्या बताए थे, पहला तांत्रिक प्रैक्टिस है जो रिचुअल चीज़ों से मिला हो, हाँ रिचुअल प्रैक्टिसेस से, रिचुअल नेचर का होता है पहला लड़ाई, ठीक बोले ना, तीन तरीके से थांगटा लड़ सकते हैं, पहला क्या है कि रिचुअलिस्टिक नेचर है, यानी कि तांत्रिक प्रैक्टिस से होता है। सेकेंड देखो, सेकंड में क्या है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है स्पीयर और स्वॉर्ड से, यानी कि भाला और उससे देखने को मिलता है हमें। थर्ड क्या है, जिसमें एक्चुअल टेक्निक और, थर्ड में हमको एक्चुअल टेक्निक और फाइटिंग देखने को मिलता है। द डिस्टिंक्ट
फ्रॉम अदर मार्शल आर्ट फॉर्म सरित सरक इज एन अनमार्ड। यदि सरित सरक का बात करोगे तो ये भी आर्ट फॉर्म है मणिपुर का, मैं ये डिफरेंट है क्योंकि इसमें कोई वेपन्स यूज नहीं होता, ये तुम्हारा क्या है हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, समझे ना। व्हेन कंपेयर टू एनी अदर एग्जिस्टिंग आर्ट फॉर्म्स ऑफ द सेम स्कूल इट इज़ अ क्वाइट फ्लॉलेस फॉर इट्स ऑफेंसिव एंड इवेसिव एक्शन। बोला कि यदि कोई मार्शल आर्ट इसके कंटेम्प्रेरी टाइम का कोई एग्जिस्ट है तो कोई बात नहीं, ये सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट इसलिए है क्योंकि फ्लॉलेस होता है, यानी कि तुमको लगेगा कि एकदम फ्लो है, जो फाइट होता है ना एकदम फ्लॉलेस, एकदम खूबसूरती से लड़ा जाता है, इस चीज़ को कोई रुकावट नहीं है इसमें, ठीक है। वही कहा गया कि थांगटा देखिए आर्म्ड फाइटिंग है तो सरित सरक क्या है आपका अनआर्म्ड, देखो नीचे दिया गया है ना सरित सरक क्या दिया गया है, देखिए उसमें कोई वेपन्स का यूज नहीं किया गया है। आगे देखेंगे छेबी गाडगा। अब देखो छेबी गाडगा क्या है, ये भी तुम्हारा एक एंशियंट मार्शल आर्ट है मणिपुर का, ठीक है। इसमें हम स्वर्ड और शील्ड से यूज़ करते हैं। आ गया भाला वाला चीज़ और ये वाला चीज़ आ गया, ये स्वर्ड और भाला, ये सॉरी शील्ड वाला, ठीक है भाला बोले सॉरी गलती, वो दिमाग में बैठा हुआ है। इट हैज़ नाउ बीन मॉडिफाइड टू स्टिक। अब देखिए इसको स्टिक में कन्वर्ट कर दिया गया, पहले स्वर्ड यूज़ होता है क्योंकि स्वर्ड से यदि फाइट करते थे रामानंद जी चांस है कि इंजर्ड भी हो जाएगा अपोनेंट, इसलिए उसको स्टिक से चेंज कर दिया गया। स्टिक है वो भी, स्टिक किस में रहता है, सॉफ्ट लेदर में रहता है उसके ऊपर, ठीक है प्लेस रहता है इन प्लेस ऑफ स्वॉर्ड एंड लेदर शील्ड, ठीक है। तो इस तरह का होता है। द कॉन्टेस्ट टेक्स प्लेस इन अ सर्कल। देखिए आप आगे फिगर देख लीजिए, देखिए आगे देखिए तीन लोग को एक सर्कल बनाया जाता है ऐसे करके, एक घेरा आता है सर्कल। तो कहा जा रहा है जी कॉन्टेस्ट टेक्स प्लेस इन अ सर्कल ऑफ 7 मीटर डायमीटर, 7 मीटर का एक बना दिया घेरा बना दिया जाता है। विदिन द सर्कल देर आर टू लाइन्स, सर्कल के अंदर दो लाइन्स होता है, ठीक है 2 मीटर अपार्ट, दो दो मीटर का अलग अलग गैप रहता है। छेबी स्टिक इज बिटवीन, और वहाँ पे 2 to 2 to 3.5 feet का लेंथ होता है वो वहाँ पे रखा जाता है। वेल द शील्ड इज अराउंड 1 meter इन, और तुम्हारा क्या है और शील्ड का कितना होता है 1 meter का डायमीटर होता है, ये बता रहा है कि हथियार कितना बड़ा बड़ा यूज होता है। विक्ट्री इन द कॉन्टेस्टेंट अचीव्ड अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स अर्न ड्यूरिंग अ ड्यूएल, जब फाइट हो रहा होता है कितना पॉइंट अचीव करता है, जो मैक्सिमम पॉइंट अचीव किया वो जीत गया। द पॉइंट्स आर गिवन बेस्ड ऑन द स्किल डिस्प्ले, जो कॉन्टेस्टेंट जो स्किल्स दिखाएंगे, जो बेस्ट स्किल दिखा रहा है सर्कल के अंदर वो जीत गया। तो सर्कल है दो लाइन बनाया गया है और वहाँ पर स्किल्स परफॉर्म करना है, समझ गए ना, दो लाइन हाँ 2 meter का पार्ट है, ठीक है। द चेबी स्टिक इज बिटवीन, इतना इतना लेंथ का हो सकता है ये बताया गया, देखिए वहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करेंगे पाड़ी खांदा। पाड़ी खांदा मार्शल आर्ट बिहार का है, खुशी होना चाहिए सबको, ठीक है। इसमें फाइट यहाँ से इसमें भी हम स्वॉर्ड और शील्ड का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टिल प्रैक्टिस बहुत सारे बिहार के बहुत सारे रीजन में अभी भी यूज़ किया जाता है। इट्स स्टेप्स एंड टेक्निक्स आर वाइडली यूज इन छाऊ डांस, छाऊ डांस जानते हो ना, बताए देखने बताओ, उसमें भी यूज़ किया जाता है इसको। इन फैक्ट दिस मार्क क्या बोले बता चुके हैं क्लास में पढ़ा चुके हैं जाके देख लेना। इन फैक्ट दिस मार्शल आर्ट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ छाऊ डांस। इन फैक्ट ये तुम्हारा एक इंटीग्रल हिस्सा है छाऊ डांस का, हाँ बिहार झारखंड का ही है ये, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस मार्शल आर्ट का उस डांस में। द नेम ऑफ दिस मार्शल आर्ट कंसिस्ट ऑफ द टू वर्ड्स पाड़ी, पाड़ी का मतलब होता है शील्ड, अखांदा का मतलब होता है स्वॉर्ड, इसलिए कहते हैं कि पाड़ी खांदा है ये, बात समझे। दस यूज ऑफ बोथ स्वॉर्ड एंड शील्ड इन दिस आर्ट, अब देख लो आगे कैसे यूज़ किया जाता है, देखो यूज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, दैट्स इट खत्म कर दिए हैं।